Hey guys, good morning. Welcome back to my next vlog. So this is day 5 in Dubai and मैं पूरा रेडी हो चुका हूँ. मैं आज जल्दी उठ गया था. मैं अराउंड 7:30-8 बजे अराउंड अलार्म लगाया था मैंने 8:15-8:30 का, लेकिन पहले ही नींद खुल गई मेरी क्योंकि मैं यूज्ड टू हूँ जल्दी उठने के लिए. तो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ. अभी मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने. ब्रेकफास्ट में कुछ खास तो मिलता ही नहीं मेरे लिए, ब्रेड बटर जूस पी के आ जाऊँगा. बाकी उम्मीद करते हैं अच्छा होगा. तो चलते हैं नीचे. एंड आज मैंने जाना है डेजर्ट सफारी, जिससे मुझे बहुत 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 एक्सपेक्टेशंस है. तो पहले चलते हैं ब्रेकफास्ट करने, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, जो बीच में टाइम मिलेगा. चलते हैं फिर, लेट्स गो फॉर ब्रेकफास्ट. तो टाइम हो गया सुबह के 10 एंड मैं फिर से निकल चुका हूँ शॉपिंग के लिए. तो मैं दोबारा से जा रहा हूँ मीना बाजार एंड यहाँ पे एक और मार्केट है, उसका नाम भूल गया है, वहाँ जा रहा हूँ मैं. तो टी शर्ट मैंने इसलिए चेंज कर ली दोबारा क्योंकि ये देखो हमारे सामने कितनी ज़्यादा धूप है. तो फुल स्लीव की टी शर्ट तो मैं यहीं में लाया था. तो एक आज जैकेट ही पहननी है मैंने. तो मैंने कहा यार बस टी शर्ट ही पहनूँगा, गर्मी बहुत होती है इस टाइम यहाँ पे, ये बर्दाश्त कर रहा हूँ वही काफ़ी है. चलो मैं तो फ़ोटोज़ के लाया था, फ़ोटोज़ बहुत प्यारी आती हैं जैकेट में, वरना हर कोई यहीं देखेगा भाई वैसे गर्मी 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 वैसे जैकेट पहननी है. तो ये वहाँ से मैं चढ़ के आया हूँ यहाँ के लिए. काफ़ी सही चीज़ है, मतलब हमारे यहाँ भी है लेकिन कोई फॉलो नहीं करता. यहाँ रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं, हर किसी को फॉलो करना ही पड़ता है. एंड ये है मीना बाजार की स्टार्टिंग, मतलब जहाँ से मैं आया हूँ, यहाँ चल रहा है क्रिकेट मैच. चलो चलते हैं. तो टाइम हो गया सुबह के 11:15 एंड यहाँ मैं काफ़ी घूम लिया. तो मैंने कहा चलो अब यहाँ का तो हो गया, बाकी जो छोटी मोटी शॉपिंग है वो रास्ते में होती रहेगी. बाकी काफ़ी मज़ा आ रहा है एक्सप्लोर करने में. अब यहाँ दोबारा तो हाँ नहीं, अब यहाँ नहीं आना होगा क्योंकि अब मैं निकल जाऊँगा डेजर्ट सफारी के लिए अराउंड 1:30 बजे तक. फिर उसके बाद तो पूरा दिन वहीं पर रहना है एंड फिर मेरी कल सुबह की फ़्लाइट है, तो इतना टाइम होना ही नहीं. तो मीना बाज़ार से शॉपिंग हो गई थी, अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ. ये मेरे होटल के पास में ही है, मतलब इतना पास भी नहीं है, डे टू डे हाइपर मार्केट. तो यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे एंड फिर सीधा जाएंगे होटल. तो अब चलते हैं अंदर. तो यहाँ से भी हो चुकी है शॉपिंग पूरी, ये है कैरी बैग्स. तो अब चलते हैं होटल की तरफ एंड थोड़ी भूख भी लग रही है. ब्रेकफास्ट तो कुछ खास था नहीं, तो लंच भी करेंगे एंड उसके बाद सीधा होटल, फिर सीधा डेजर्ट सफारी. चलते हैं फिर. तो टाइम हो गया 12:00 एंड शॉपिंग वगैरह सारी हो चुकी है एंड बस ये बैग वगैरह रखने गया था मैं. पहले सोचा सीधा चला जाता हूँ खाना खाने, मैं कहा पहले एक बैग फिर दो पॉली बैग, मैं कहाँ लेके घूमता रहूँगा. तो जा रहा हूँ दोबारा से उसी रेस्टोरेंट पे आखिरी बार, क्या नाम था, अतिथि वेज. एंड वहाँ सबको बाय बाय बोलते हैं एंड फिर वहाँ जाना है, क्या बोलते हैं, धूप ने दिमाग ख़राब कर दिया, डेजर्ट सफारी. तो उसके बाद देखते हैं तो वापस आएंगे होटल में या फिर सीधा एयरपोर्ट. चलते हैं, वैसे सुबह की फ़्लाइट है तो देखते हैं, डिपेंड करता है क्या टाइम होगा, डेजर्ट सफारी फ्री होगा कब नहीं होगा. तो लंच हो गया है एंड सबको बाय बाय कर दिया वहाँ पे. तो ठीक है, अच्छा लगा काफ़ी सबसे मिलके. जब नेक्स्ट टाइम दुबई आना होगा तो यहीं पर आया करेंगे. बढ़िया खाना है, बहुत अच्छे प्राइस पर अच्छा खाना एंड स्टाफ बहुत अच्छा है. तो टाइम है 12:30 एंड मैं हो चुका हूँ रेडी फॉर डे 5. तो ये देख सकते हो पैकिंग भी हो चुकी है, ये मेरा बैग. तो चेकआउट कर लूँगा अब एंड भैया कह रहे हैं 15-20 मिनट लगेंगे उन्हें. तो मैंने कहा होटलों से मैंने बात कर ली थी कि थोड़ा लेट चेकआउट होगा, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई लोड नहीं है. तो वेट करते हैं भैया का एंड आए जाएंगे 15-20 मिनट, 15-20 मिनट आधे घंटे में आ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होगा. तो वेट करते हैं, फिर सीधा जाएंगे वहीं से डेजर्ट सफारी से एयरपोर्ट एंड वापस भारत. चलते हैं फिर. तो फाइनली चेकआउट कर लिया है, मतलब बस निकल रहा हूँ. ये रहा अपना रूम 712 एंड ये रहे अपने बैग. चलते हैं फिर. चलिए शुक्रिया, थैंक यू मेहरबानी.
डेजर्ट सफारी से पहले ये हमारा एक स्टॉप है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर आपको अपनी बाइक चलानी हो, क्वाड बाइक बोलते हैं इसको, तो आप चला सकते हो इसका। तो एक को और बैठे हैं और 150 दिरहम है, अगर दो लोग एक साथ बैठेंगे तो 250 दिरहम है। तो ये सामने एक बाउंड्री है, इस तक आप चला सकते हो आराम से। ये मैंने, मुझे इतना मन नहीं करा चलाने का, मैंने कहा मेन जो है वो डेजर्ट सफारी का ही है, तो यहाँ तो इतना मन है। और धूप इतनी कैड़ी हो रही है यहाँ पर, बस क्या ही बताएँ। यहाँ पर आप कैमरा राइड भी कर सकते हो अगर आपका मन है तो। आपको पता है जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, कैमल वगैरह के कोई भी जानवर मैं उसके ऊपर बैठता नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि ऐसे किसी जानवर पर बैठो और घूमो ना, मेरे मतलब की चीज़ नहीं है। बाकी ये आप आराम से इंजॉय कर सकते हो, ये ऑप्शन है। और इसमें एक दूसरा ऑप्शन दिया है अगर आपको जाना है तो, इसमें ये अभी 250 cc की है जो है, वो आगे अगर आपको ऊपर तक जाना हो तो 350 cc का भी ऑप्शन है इसके अंदर, तो वो भी मिल सकती है आपको, तो वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी तो अब यहाँ से जाते हैं, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, एंड जिनके साथ मैं आया हूँ उनको भी इंटरेस्ट नहीं है कि यहाँ जाएं, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है फिर तो, नहीं है तो टाइम बचेगा। तो आप देख सकते हो अभी भी यहीं पे ही हैं हम, 15-20 मिनट हो चुके हैं। एंड ये देखो ये बांधा हुआ मैंने बढ़िया सा, तो ये मैंने लिया 10 दिरहम का, वैसे 30 दिरहम बोलते हैं वो, लेकिन थोड़ा बार्गेनिंग करनी पड़ती है तब जाके 10 दिरहम में बात बनी है। तो अब यहाँ आएँगे तो थोड़ा ना मन कर ही जाता है पहनने का, तो शेक टाइप फीलिंग आ जाती है। तो भैया को 10-15 मिनट लगेंगे आराम से, तब तक देख ही रहे हैं बस, कभी कैमरा राइड, कभी ये, कभी वो, तो वेट करते हैं भैया का, पता नहीं कहाँ चले गए, फिर चलेंगे सीधा डेढ़ सवारी के लिए, चलते हैं। तो यहाँ हमें रोक दिया था क्योंकि यहाँ से गाड़ी चेंज होनी थी, जो कि थी लैंड क्रूज़र, क्योंकि ऑफ रोडिंग होनी थी तो फिर उसके लिए लैंड क्रूज़र ही बेटर है, तो उसका हम वेट कर रहे थे अपनी गाड़ी का। सैंड ड्यून्स के बाद हमें यहाँ पर ले आए थे, आप ये देख सकते हो यहाँ पे शोज़ वगैरह होने थे। ये देखो ये पूरी एक स्पेस बनी हुई है, यहाँ पे भी आपको दो ऑप्शंस दिए जाएंगे, नॉर्मल या वीआईपी। नॉर्मल का डिनर अलग होता है, वीआईपी का अलग होता है, तो मैं तो नॉर्मल, ये देखो ये नॉर्मल है, नॉर्मल जो सिटिंग होती है वहाँ पर, क्योंकि कुछ इतना डिफरेंस था नहीं, प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क था, तो मैंने कहा छोड़ो यार। तो यहीं पर शोज़ वगैरह होने थे, तो यहाँ पर आपको टी वगैरह जो है वो फ्री होती है, एंड कोल्ड ड्रिंक भी फ्री होती है। बाकी जो आपको कुछ और स्नैक्स वगैरह लेने हो, ये देखो यहाँ पे शो होते हैं। एंड ये देखो यहाँ पे आपको ये बार भी बना हुआ है, सब बना हुआ है, सॉफ्ट ड्रिंक्स फ्री हैं आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप आराम से यहाँ पे बैठ सकते हो, चिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी शो में थोड़ा टाइम भी था, तो हमने कहा चलो स्नैक्स भी मिलने, स्नैक्स भी इसमें इंक्लूडिंग ही होता है, बट अभी वो स्टार्ट नहीं होता, तो आधा एक घंटा था स्टार्टिंग में। देखो शीशा भी, अगर आपको हुक्का हुक्का पीना हो वो भी है ऑप्शन, बट वो चार्जेबल है। ये सामने टी कॉफ़ी का सेक्शन है, आप वहाँ के ले सकते हो। बाकी मैं टेस्ट करूंगा एंड फिर आपको बताऊंगा कैसा टेस्ट है कैसा नहीं है। ये देखो ये लाइन थी खाने की, एक बार लाइन देखो, मतलब लग रहा है फ्री जियो सिम मिल रही है। एंड खाना मैंने देखा, मतलब नॉन वेज भी ऐसा, मतलब एक ही साथ दे रहे थे, मेरा मन भी नहीं करा खाने का, मैंने खाया भी नहीं बिल्कुल, मतलब सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पी मैंने यहाँ पर एंड चाय कॉफ़ी बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। फिर शो वगैरह स्टार्ट हो ही गए थे, फिर मैं वो देखने लग गया, शो में काफ़ी मज़ा आया सच में, ऐसा कुछ नहीं था। ये देखो ये शो स्टार्ट हो गया,
तो टाइम अगर रात के 9:30 एंड फाइनली मैं पहुंच चुका हूं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, बहुत ज़्यादा कुछ है एंड समझ नहीं आ रहा कहां से स्टार्ट करूं। मतलब बहुत ही अच्छी ट्रिप रही, बहुत ज़्यादा अच्छी रही एंड मुझे मतलब कहां से स्टार्ट करूं समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या पसंद आया दुबई में। सबसे पहले तो लोग बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे एंड मतलब किसी ने भी कुछ ऐसा एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि मतलब बहुत सारे ऐसे ना कभी कोई गाड़ी वाला था कभी कोई गाड़ी वाला था या फिर किसी से बात हो रही है, बहुत लोगों से बात करी मैंने एंड कहीं भी ऐसा मतलब कुछ कंप्लेंट होता है ही नहीं सीन। उसके बाद रोड्स इतनी प्यारी हैं यहाँ पे, इतनी ज़्यादा प्यारी रोड्स हैं, मतलब 100-150 स्पीड पर गाड़ी चले पता भी नहीं लगता कि कब कहाँ पहुँच गए। अभी अगर यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर था, यहाँ से मुश्किल से 30-40 मिनट ही लगे बल्कि कम ही लगे, तो रोड बहुत ज़्यादा साफ़ हैं। उसके बाद अगला आता है यहाँ पे जो है रूल्स, ये तो हर किसी को पता ही होगा, रूल्स का बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं एंड जब स्ट्रिक्ट हैं फाइन इतना हैवी है तो हर कोई फॉलो ही करता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। एंड सबसे मैंने हर व्लॉग में बोला भी है, जब कोई रोड क्रॉस कर रहा हो जो पैदल है उसको ही होता है कि हाँ भाई उसको हक है पहले चलने का, गाड़ी उसी टाइम रुक जाती है। कोई मैं कह रहा हूँ 100 बार ऐसे हुआ है, 100 में से ऐसा भी नहीं कि एक बार कोई ऐसा मिला, 100 में से 100 ही ऐसे हैं। क्योंकि एक तो बीच में थोड़ा हर जगह कैमरा भी लगा होता है, जहाँ नहीं लगा एक होता ना आदत पड़ जाती है लोगों को कि चलो कोई बात नहीं इसका हक पहले, तो बहुत अच्छा लगा। बाकी जो भी अट्रैक्शंस थे हैं दुबई के हर जगह मतलब बहुत ही अच्छे, तुम एक छोटी बिल्डिंग में देखोगे ना वो इस तरह बनाई हुई है कि आपको अच्छी ही लगेगी, बहुत सुंदर है। तो बहुत ही अच्छा रहा ट्रिप इस बार का एंड मेरे ख्याल से जो फरारी वर्ल्ड का एडवेंचर था या था वो तो नेक्स्ट लेवल था सही में, वो तो मेरे हिसाब से आज तक जितने मेरे एडवेंचर थे ना सब फेल हो गए। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा दुबई का एंड ऑब्वियसली जा रहा हूँ यहाँ से अब तो बहुत मिस करूँगा दुबई को एंड पता नहीं अब कब आना होगा, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल करना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं यहाँ ट्रैवल करा, बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो बाकी जो भी जिनसे भी मिला यहाँ पे बहुत अच्छा लगा सबसे, तो चलते हैं यहाँ से। अब अभी तो है टाइम, वैसे फ़्लाइट में काफ़ी टाइम है। फिर मैंने सोचा कि अब पहले, और मैं ये लेके आया था सारा, मुझे था कि अगर जल्दी आ जाऊँगा तो लॉन्च में बैठ जाऊँगा और क्या, कोई वापस जाने की तुक नहीं थी कि मैं वापस जाऊँ फिर वहाँ होटल में बैठूँ फिर वहीं घड़ी देखता रहूँ कब निकलना। और आसपास जितना एक्सप्लोर करना था कर लिया था, वो एक दो घंटे में ना बंदा टेंशन में रहता है कि अब जाना है कब आ जाएगी, कब कैब से चले जाना है। मिस करूँगा मैं दुबई को बहुत ज़्यादा। चलो चलते हैं। तो फाइनली बैग दे दी है, ये भी कह रहे थे कि अभी क्यों आ गए आप, आपको तो अभी टाइम है फ्लाइट में, कह रहा अभी हम चेक इन नहीं करवाएंगे आपका बैग। तो मैंने कहा अब आ गए, मैंने कहा वापस कौन जाता, मैं कहा वहाँ क्या ही करता मैं, उनको समझाया मैंने कहा फिर अब वापस होटल जाना पड़ता पास में था एयरपोर्ट। फिर उन्होंने बात करी एक बंदे से, कह रहे ओके आई लेट यू चेक इन। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं तो यही सोचा लॉन्च में बैठ जाऊँगा आराम से क्योंकि टाइम है अभी। फिर उन्होंने कर दिया चेक इन, मैंने कहा ठीक है। तो चेक इन हो चुका है, सारा सिक्योरिटी चेकअप भी हो चुका है एंड अब हम जाएंगे लॉन्च में क्योंकि अभी है बहुत टाइम। तो टाइम हो गया 3:00 एंड काफ़ी ज़्यादा वेट कर लिया अब तो। एंड एक बुरी खबर है कि डिले हो गई है फ़्लाइट, मतलब पहले ही मैं इतनी जल्दी आया था, वेट करना पड़ रहा था बहुत ज़्यादा और अब 1 घंटा और डिले हो गई है। तो 4:10 की फ़्लाइट थी मेरी और अब है 5:10 या 5:15 कुछ ऐसी थी, तो लगभग 1 घंटा डिले हो गया। अब यार अभी हाथ मुँह धो के आया हूँ क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, सुबह से बाहर निकला हूँ, हिम्मत ख़त्म हो रही है धीरे धीरे, लेकिन सोना नहीं है बिल्कुल भी, वरना दुबई में रह जाएंगे। तो अब देखते हैं, अभी तो कोई दिखा नहीं रहा अपडेट कि डिले और हो गया कुछ है ना ही, हो तो बढ़िया है। तो टाइम हो रहा है सुबह के 10 एंड फाइनली पहुंचूंगा अपने देश भारत में। तो उसने कवर कर लिया फ़्लाइट का क्योंकि लेट हो गई थी बहुत ज़्यादा फ़्लाइट, बट बहुत जल्दी पहुंचा दिया, मतलब जब मैं गया था 4 घंटे लग गए थे, 4:15 लग गए थे एंड आते हुए सिर्फ 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में लो भाई तुम्हारा आ गया इंडिया, उतरो जाओगे। यहाँ तो फॉग भी नहीं कर रही है
बाकी ट्रिप बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, मतलब मेरे पास लिटरली वर्ड नहीं है, इतना बढ़िया ट्रिप रहा मेरा, मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप रहा मेरा। तो देखते हैं नेक्स्ट कब प्लान बनेगा, दुबई का बनेगा या नहीं, कहीं और का बनेगा, जो भी है देखा जाएगा। तो बाकी मैं एक बात हाँ भूल गया, कल की डेजर्ट सफारी शायद मैं बताया नहीं कैसी लगी थी मेरे को। डेजर्ट सफारी अच्छी थी, जो मेन उसमें सैंड ड्यून्स वगैरह थे वही मुझे सबसे मेन पार्ट लगा, जो जिसमें मज़ा आया। बाकी जो शो थे वो डो क्रूज़ में ऑलरेडी मैं देख चुका था, तो एक तरह से रिपीट ही था मेरे लिए, और जो आग वाला था वो बस मैंने दोबारा देखा था, तो अच्छा था। मेन तो सैंड ड्यून्स था, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस था। तो अब बाकी थकावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि कल सुबह 8 बजे से उठा हूँ मैं, 26 घंटे हो गए, 1 मिनट भी नहीं सोया अभी तक, एंड अभी भी 1 घंटा लगेगा, क्योंकि 10 बज गए हैं तो ट्रैफिक थोड़ा बहुत होगा। रात को अगर अराइवल होता तो जल्दी पहुँच जाता, पर चलो कोई बात नहीं, जहाँ इतनी देर वहाँ 1 घंटा और। तो चलते हैं घर वापस, एंड इस ब्लॉग को यहीं सेंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आया प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय एंड टेक केयर।